नमस्कार, मैं हूँ स्वाति पारासर और आज बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एकदम सूजी के अप्पे। ये अप्पम बेकर से बनाए हैं मैंने और बहुत ही टेस्टी और 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम बहुत ही टेस्टी बनता है। ये नारियल की चटनी और सॉस से आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है इसे और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपको स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो आप उसे लंच बॉक्स में रख सकते हैं। ये देखिए, तो इसे ज़रूर बनाइए, बहुत पसंद आएगा आपको। ये देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, सूजी के अप्पे। तो देखिए, मैंने अमेजोन से ये अप्पे मेकर मंगाया है। ये बहुत ही सैलो वाला है और बहुत वज़न भी है इसमें, काफ़ी अच्छा है। और ये मैं इसमें सूजी के अप्पे बना के देखती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें सूजी के अप्पे कैसे बनते हैं। सूजी के अप्पे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी सूजी ली थी। सूजी कोई भी ले लीजिए, ये बारीक हो मोटी हो, ये बारीक सूजी थी। और इसमें 2 चम्मच दही डाल के इसका बैटर बनाया और पानी मिला लिया है। थोड़ा थिक ही बैटर बनाना है आपको इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च काटी है, 1 प्याज काटा है और 2 टमाटर काटे हैं मीडियम साइज़ के, और 1-2 हरी मिर्च काटी है। इसे भी इसमें मिला लेंगे। बैटर को मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, अच्छे से फूल गया है ये, वही डाल देते हैं। देखिए सारी सब्जियों को हमने अच्छे से इसमें मिला लिया। और अब क्या करेंगे हम, इसमें 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। अब इसे मिला लेते हैं। देखिए, तो ये सेलो का अप्पे मेकर है और इसमें एक बार में 12 अप्पे बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा तेल लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा तेल डालिए। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि थोड़े से तेल में ये नाश्ता तैयार हो जाता है। इसमें आप कोई भी नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही कम तेल में यूज़ होता है, बस थोड़ा सा लगाना है आपको बस, और थोड़े से तेल में तैयार हो जाता है। और इसे रख देंगे गैस पे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे पहले, फिर इसमें बैटर डालेंगे। तो ये देखिए, इसका ये ढक्कन है, इसमें भी देखिए सैलो लिखा हुआ है। ये इससे क्या होगा, ये स्टील का है तो ये जल्दी गर्म होगा, तो ये ऊपर भी जल्दी से, जैसा ही ये गर्म होगा तो ऊपर भी जल्दी से हमारा अप्पे जो हैं ये सिकते हैं, ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ये। तो अप्पे पैन को मैंने रख दिया है गैस पे और ये थोड़ा गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। तेल हमने इसमें लगा दिया है। तो देखिए, अप्पे पैन हमारा गर्म हो गया है और अब जो है छोटा वाला चम्मच जो होता है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, उसी से आप इसमें डाल दीजिए, तो जिससे इसका शेप भी सही आएगा। और ये देखिए इस तरीके से। आप इसमें, इस बैटर में मटर अगर आ रही हो उस समय, अगर आप बना रहे हों तो मटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आपकी पसंद के अनुसार आप इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो देखिए, सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है और अब ये हल्का सा इसमें भी लगा दीजिए ऊपर से, तेल। और अब जो है इसे ढक्कन से ढक देते हैं इसके, और फ्लेम जो है एकदम लो ही रखिए और इसे धीमी आंच में सिकने दीजिए।
5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए और अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सिक गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। ये देखिए वाओ, बीच वाला थोड़ा सा ज़्यादा सिकता है पहले, क्योंकि सीधे गैस में नीचे आँच लगती है ना बीच में, तो जल्दी सिक जाता है। ये भी अच्छा सिक गया है, देखिए कितना अच्छा फूल गए हैं बिल्कुल। और मैंने इसमें कुछ भी इनो वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दही डाला है और आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसमें चिपकने का कोई वो नहीं है, क्योंकि यह जो है नॉन स्टिक है। देखिए कोई भी नहीं चिपकेगा, आराम से आप बना सकते हैं, बिल्कुल कम तेल में बना सकते हैं। तो इसे भी ढक देते हैं और सिकने देते हैं इसे भी। तो देखिए 5 मिनट और हो गए हैं, अब इसे देख लेते हैं हम। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम ऊपर नीचे अच्छे से सिक गया है। ये देखिए तो इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर बन गया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। लेकिन मैंने इसमें दूसरा जो और बेटर था उसमें मैंने इनो भी डाला है। इनो डालने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा मुझे इसके बदौलत। तो ये देखिए कितना बढ़िया सिका है, और इसे आप नारियल की मूंगफली की चटनी के साथ और सॉस के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए आप, इसमें मैंने जो बैटर था उसमें मैंने ये आधा पैकेट जो है इनो का डाल दिया है, और इससे मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लग रहा है इनो डालने से, और काफ़ी फूले फूले बन रहे हैं। तो आप इसमें इनो ज़रूर डालिए। तो देखिए ये भी तैयार हो गया 5 मिनट में एक तरफ, और ये अच्छा बना है, ज़्यादा अच्छा फूला फूला बना हुआ है देखिए, और बहुत ही अच्छा सिक गया है। ऐसे ऐसे पलट देते हैं। तो देखिए 5 मिनट और दूसरी तरफ भी हो गए हैं, और ये जो है बहुत ही अच्छे तरह से सिक गया है, और ये देखिए कितना बढ़िया फूला फूला बना हुआ है। तो इसे निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। तो देखिए इनो अगर हम डाल देते हैं तो बैटर काफ़ी फ्लफी हो जाता है, और ये जो है अप्पे काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इनो डाल के ही बनाइए आप। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है बैटर, एकदम फ्लफी। तो देखिए तैयार है हमारे अप्पे, ये अप्पम से बनाए गए हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए ये जो मैंने इनो डाला था उससे देखिए कितना अच्छा फूला हुआ बना है, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको, और इसे आप नारियल मूंगफली की चटनी और सॉस के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी अच्छे लगेंगे। 10 मिनट में आप इसे बना के तैयार करके दे सकते हैं बच्चों को, इसे आप लंच बॉक्स में बच्चों को रख सकते हैं, और अगर गाजर है मटर आ रही हो तो आप वो भी डालिए, तो बहुत अच्छा लगेगा और भी टेस्टी बनेगा ये। तो ये बहुत टेस्टी बना है, बनाइए ज़रूर। और ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए मम्मा दे दो, देखो बच्चे मांग रहे हैं, देखिए आप कितना सॉफ्ट है अंदर से देखिए आप, और एकदम पका हुआ है। ये देखिए इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।